नमस्कार, कैसे हो? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों, आज अपन जिस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं वो है राजस्थान का अपोहा तंत्र, राजस्थान की नदियाँ। बहुत बढ़िया टॉपिक है और परीक्षा के अंदर क्वेश्चन तो आना ही है कि नहीं है। तो बिना फालतू की बातें किए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं राजस्थान की नदियाँ। तो देखो, राजस्थान की नदियाँ जो है ये अपना राजस्थान है कि नहीं है। राजस्थान से जो इधर पश्चिम की ओर जो नदियाँ निकलती है वो नदियाँ अपना जल ले जाती है अरब सागर में। कहाँ ले जाती है? अरब सागर में। और अरब सागर का जो उत्तरी जो भाग है वो कहलाता है दोस्तों कच्छ का रण। क्या? कच्छ का रण। और जो नीचे वाला जो भाग है वो है खंबात की खाड़ी। क्या? खंबात की खाड़ी। और अरब सागर राजस्थान से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर से जो नदियां निकलती है वो अपना जल ले जाती है बंगाल की खाड़ी में। कहां पर ले जाती है? बंगाल की खाड़ी, है ना। और दोस्तों, ये जो बंगाल की खाड़ी है लगभग राजस्थान से 2900 किलोमीटर दूर है। कितने? 2900 किलोमीटर दूर है। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां, दो तो ये हो गई। और कुछ नदियां ऐसी है जो अपना जल कहीं पर भी नहीं ले जाती है, वो बीच रास्ते में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार की जो नदियां होती है उनको कहा जाता है आंतरिक प्रवाह। क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां, उन्हें क्या कहा जाता है? आंतरिक प्रवाह की नदियां कहा जाता है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई या नहीं? यस या नो? चलो अब एक एक करके देखते हैं और अब पढ़ते हैं। अपन शुरुआत करते हैं लूणी नदी से, ठीक है ना। कौन सी? लूणी। लूणी नदी कौन सी? लूणी। इसे को कहते हैं लवणवती, लवाती, लवाती और मीठी खारी नदी, मीठी खारी, जो जालौर में से जाना जाता रेल या नाड़ा के नाम से, है ना। कालिदास जी ने, कालिदास जी ने इन्हें इस नदी को क्या कहा? अंतः सलीला। क्या कहा? अंतः सलीला इस नदी को कहा गया है, इन्हीं के नाम है। इसकी जो लंबाई है वो है 495 किलोमीटर। इसकी जो लंबाई है वो क्या है? 495 किलोमीटर। और ये राजस्थान में बहती है कितनी? आपको 330 भी मिल जाएगा और 350 भी मिल जाएगा। तो इसके जो नाम है लवणवती, लवाती, मीठी खारी, रेल या नाड़ा, कालिदास, अंतः सलीला, 495 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये तो थी इसकी सामान्य जानकारी, ठीक है। अब इसका उद्गम और देखते हैं कौन कौन से जिलों में ये बहती है। तो आपको एक तो ये ध्यान रखिएगा कि राजस्थान की 6 नदियां ऐसी हैं जो राजस्थान की 3 नदियां ऐसी है जो 6 जिलों में बहती है। और वो याद रखिएगा चंबल, ठीक है, चंबल नदी, बनास नदी और लूणी नदी। ये तीनों की तीनों
छह छह जिलों में बहती है। अब इसका उद्गम देखते हैं, यहां एक पहाड़ है, ये इस पहाड़ का नाम है नाग पहाड़। क्या नाम है? नाग पहाड़। और ये नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर जिले में है। कहां पर है? अजमेर जिले में है नाग पहाड़। वैसे तो यहाँ से दो धाराएं निकलती है, ठीक है, एक का नाम है सरस्वती, एक का क्या नाम है? सरस्वती, और इधर है सागरमती। सरस्वती और सागरमती की जो धाराएं मिलती है, वो धाराएं जो मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? गोविंदगढ़। क्या? गोविंदगढ़। और गोविंदगढ़ कहाँ पर है? अजमेर में। और यहाँ से लूणी आगे बढ़ती है, लेकिन सामान्य अपन ये कह सकते हैं कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ध्यान दीजिएगा, नाग पहाड़ से, नाग लपेटा खाती हुई आती है। और इसी नदी पर अजमेर में, इसी नदी पर अजमेर में एक झील बनी हुई है जिसका नाम है आना सागर झील। आना सागर झील कौन सी? आना सागर झील जो अरुणों राज जी ने बनवाई थी। ये नदी आगे बढ़ती है और जिला आ जाता है नागौर। कौन सा? नागौर जिला। फिर ये थोड़ी और आगे बढ़ती है और जिला आ जाता है कौन सा? पाली। और आगे आती है जिला जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। आगे आती है जिला बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। और बाड़मेर से आगे जालौर, और जालौर के बाद में ये अपना रण पानी डाल देती है कहाँ पर? कच्छ के रण में। कहाँ पर? कच्छ का रण। कच्छ का रण में आकर के ये क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। कहाँ से निकली? अजमेर की नाग पहाड़ से नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर होते हुई, और ये कहाँ पहुंच जाती है? कच्छ के रण में। मेरे जिगर के टुकड़ों, ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं इसकी सहायक नदियों की। इसकी सहायक नदियां जो सहायता करती है, वो सहायता करने वाली जो नदियां हैं वो देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। एक ट्रिक बता दूं, बताऊं कौन बताऊं? बता दूं क्या? चलो लिख लो। लिखो कहीं यार, लिखवा को तो टाइम ही को नहीं। देखो लीलड़ी, देखो लीलड़ी को जवाई, लीलड़ी को जवाई, जोजड़ी, लीलड़ी को जवाई, जोजड़ी की सगाई में, लीलड़ी को जवाई, जोजड़ी की सगाई में सुकेड़ी, सुकेड़ी मिठाई लायो। बोलो जचे के था के बात या हैं? जचे के बात। लेलड़ी को जमाई, जोजड़ी की सगाई में कौन सी मिठाई लायो? सुकेड़ी मिठाई लायो, जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी ना कोई वो। चलो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जोजड़ी। तो कि सर, ये जोजड़ी नदी इतनी क्या इंपॉर्टेंट है जो सबसे पहले जोजड़ी को उठाया, लीलड़ी क्यों नहीं उठाया? तो देखो इसकी कुछ खास बातें हैं। जोजड़ी जो नदी है ना, जोजड़ी नदी, इधर नागौर का एक गांव है पाड़लू गांव। नागौर का एक गांव है कौन सा? पाड़लू गांव। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोजड़ी। जिसका क्या नाम है? जोजड़ी। और ये यहां से नदी निकलती है और ये नकली निकली निकली, इस पर एक बांध बनाया गया है।
जिसका नाम है जसवंत सागर बांध। कौन सा? जसवंत सागर, या फिर इसी को कहते हैं पिचियाक। इसी को क्या कहते हैं? पिचियाक बांध। ठीक है, इसी को कहते हैं पिचियाक बांध। और फिर ये कहाँ आकर के मिल जाती है? जोधपुर में। मुख्य नदी तो ये हो गई, मुख्य नदी तो ये है, है कि नहीं है? ये मुख्य नदी हो गई, ये इसकी सहायक नदी हो गई। पहाड़लू गांव से जोजड़ी नदी आई और आकर के जोधपुर में मिल गई। इसकी जो खास बात यह है कि ये एकमात्र लोणे की सहायक नदी है जो इसके दाएं भाग से आकर के मिलती है। कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। दूसरी विशेषता इसकी यह है कि अरावली से नहीं निकलती है, अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है। कहाँ से निकलती है? नागौर से। अब और जो नदियाँ बच गई ना, उनको पाली से निकालो, बाड़मेर मिलाओ कुछ कुछ। देखो बांडी नदी, बांडी जो नदी है ये निकलती है कहाँ से? हेमावास, हेमावास। और ये कहाँ पर है? पाली में है। कुछ नहीं आलस, बांडी हेमावास से निकली और यहाँ पर आकर के लूणी में मिल गई, लाखर गांव में। इनको कोई नहीं पूछता, लाखर गांव, लाखर गांव में आकर के इसके अंदर मिल गई। कौन सी नदी? बांडी नदी। फिर ले लेते हैं अपन कौन सी? लीलड़ी, लीलड़ी आल्यूस। ये सब नदियां कहां से निकल रही है? पाली से। फिर सूकड़ी, सूकड़ी से पहले ले लेते हैं अपन मीठड़ी, ये भी पाली से। और आल्योसा, कुछ नहीं करना, ध्यान रखिएगा इसकी सहायक नदियां आई। सूकड़ी जो नदी है, कौन सी? सूकड़ी नदी जो है ये निकलती है सोजत से। कहां से निकलती है? सोजत। और सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। सोजत की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। और ये सूकड़ी जो नदी है ना, ये निकलती है और समदड़ी, समदड़ी बाड़मेर में मिल जाती है, मंगला में ये मिल जाती है, लीलड़ी मेठड़ी। ये उनसे कोई मतलब नहीं, इनको कोई नहीं पूछता। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, सूकड़ी नदी जो है ना सोजत से निकलती है, सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। और सूकड़ी नदी के किनारे जालौर का दुर्ग है। तो सूकड़ी नदी, जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, सूकड़ी नदी के किनारे है। इसी के किनारे है जालौर दुर्ग। मेरे यारों ध्यान दीजिएगा यार, जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे? कौन सी नदी? सूकड़ी नदी। चलो अब देखते हैं जवाई नदी। जवाई नदी जो है ये निकलती है कहां से? पाली जिले की बाली तहसील, पाली जिले की बाली तहसील के गोरिया गांव से। पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और इस नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है जवाई सागर बांध। कौन सा? जवाई, जवाई सागर बांध। कौन सी नदी पर है? कौन सी नदी पर है? जवाई नदी पर।
और यहीं पर ये कहाँ पर एरिनपुरा सुमेरपुर के पास में, यहाँ से फिर ये आगे बढ़ती है नदी और यालिस गुड़ा में आकर के बाड़मेर के अंदर ये मिल जाती है। गुड़ा से आकर के ये नदी इसके अंदर मिल जाती है गुड़ा बाड़मेर में। अब देखिएगा बाड़मेर का एक स्थान है और उस स्थान का नाम है बालोतरा। क्या नाम है? बालोतरा कहाँ पर है? बाड़मेर में। अब ये बालोतरा क्यों प्रसिद्ध है कि बालोतरा तक इस नदी का पानी जो है क्या हो रहता है? मीठा रहता है। बालोतरा तक लूणी नदी का जो पानी हो क्या होता है? मीठा होता है। लेकिन बालोतरा के बाद इसका पानी क्या हो जाता है? खारा हो जाता है मिट्टी की लवणता के कारण इस नदी का पानी खारा हो जाता है। तो लूणी नदी का पानी कहाँ तक मीठा है? बालोतरा तक। ठीक है, बालोतरा इसी नदी के किनारे है, समदड़ी इसी के किनारे है और नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा भी इसी के किनारे है। फिर है तिलवाड़ा, बाड़मेर में एक स्थान है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा भी इसी में, जहाँ ये तिलवाड़ा क्यों प्रसिद्ध है? थार पारकर, कौन सी? थार पारकर गायों की, थार पारकर गायों की खरीद प्रोक्त के लिए यहीं पर भरता है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ जी का पशु मेला। यहीं पर क्या भरता है? मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। तो ये बांडी नदी आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 495 किलोमीटर, जिसमें राजस्थान में ये बहती है कितने? 330 या 350 किलोमीटर ये राजस्थान में बहती है। एक बात ध्यान और रखिएगा कि जो बांडी नदी जो है ना, लूणी की सहायक जो नदी है बांडी, वो बांडी नदी अब बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, बाढ़ के लिए। और जो सूकड़ी जो नदी है ना, ये अब शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शुष्कता के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी किसी भी प्रकार की राजस्थान जीके से संबंधित कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आप आगे इसी जोश और जुनून के साथ फिर मिलेंगे। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।